हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे साथियों। तो आज चलिए हमारे साथ फिर से यात्रा पर। आप आनंद लीजिए। एक में गर्म पानी है, एक में नॉर्मल पानी है। गर्म पानी जल्दी पिएगी, फिर उसे जल्दी पानी का बोतल दो। ये क्या लिए हो इसमें? इसमें स्वेटर रखती हूँ ना, इस पे कुछ कलरिंग वो के बोल सीनियर केजी का। अच्छा, तो इसमें नॉर्मल पानी लिया मैंने, सब मैंने ले लिया, कलर पेंसिल इरेजर पाउच। बैटरी भी चार्ज हो गई है, इसको भी निकाल लेता हूँ। आपका बैटरी अगर दूसरी बैटरी खत्म हो जाएगी ना, तो ये वाला बैटरी दिखाओ, ये वाला बैटरी लगाना पड़ेगा। फिर वो भी खत्म हो जाएगा तो कैसे लगाएंगे हम? तो दूसरा चार्ज करके लगा लेंगे हम लोग। ऐसे पेंसिल इरेजर, बस हम लोग यही पास में जा रहे हैं। हमारे घर से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत सुंदर जगह है और बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। एकदम साफ पानी है, कितना मीठा वाला है। हाँ, दो तीन मिर्ची डाल देती हूँ, तीखा वाला हो जाए। कितना सामान भर के रखे, ये राइटिंग पैड क्यों रखा है? मम्मी से चिल्ला रही है, राइटिंग पैड रखा है क्यों रखा है? अरे भैया छोड़ो फिंगर, वाह देख रहे तो तुम्हारा कैसा है? तुम्हारा पहले हाथ जाके गैस सेको, कितना ठंडा लग रहा है। ये दिखा दो, मैं पकड़ो ना मेरी कलैया, इसीलिए पकड़ रहे हो। ऐसे ही मीरा जी ना कृष्ण के लिए गाना गाती थी, पद गाती थी। पर ये विमल कौन खा के फेंका? अब क्या बताऊं मैं, किसने खाया किसने नहीं, बच गए। मूर्खों की कमी नहीं है। तो खैर, कह रहा था कि मेरे सारथी है मेरे माधव, जहाँ ले चले। घर से कुछ दूरी पे ही है, इतना जाम लग गया है। कितना है? 40 मिनट दिखा रहा है अभी, 18 किलोमीटर है। इतनी बुरा देखो ना, बुरा चला। हमारे घर से दिखा ही नहीं, ये तो रुक जाते थोड़ा देर। नहीं, पीछे से निकल जाते ना, पीछे वाले रोड से सीधे ऐसे। सीधे ऐसे मोड़ने का था अभी, जब उसको बना दिया ऐसे जाओ ऐसे ऐसे पूरा। Yeah.
से छोटे छोटे टुकड़ियों में आ रही है जत्था और सब एकदम विट्ठल की हरि की भक्ति में लीन है, तल्लीन है। और ये जो वारियाँ, इसको वारी कहते हैं, ये वारी आ रही है सब, ये जो वारियाँ हैं सब आ रही हैं यहाँ पर आलंदी से संत तुकाराम महाराज को के लिए जा रही है। संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम का चरित्र अगर आपको पता नहीं तो अभी हमारा ब्लॉग देख रहे तुरंत जाके पढ़िएगा, बहुत बड़े संत हैं। उनकी कथा इतनी बड़ी है कि भगवान हरि उनको मिलने आए थे, भगवान साक्षात विट्ठल मिलने आए थे। तो ऐसे देखिए अभी हम लोग भंडारा देवघर की तरफ जा रहे हैं, तो ये मेन द्वार है, अभी ऊपर हम लोग पहुँचेंगे पहाड़ पे, थोड़ा सा कर्वी रोड है और ऊपर जहाँ संत तुकाराम महाराज की तपस्या ली थी वो आके यहीं पर अपने अभंग यानी कि जो पद हम अपनी भाषा में अपने उत्तर भारत की तरफ पद कहते हैं जिसे उसे यहाँ अभंग कहा जाता है, उन्होंने लिखे थे यहाँ बैठकर और प्रभु की भक्ति यहीं पे करते थे, विट्ठल की भक्ति यहीं करते थे। तो ऐसे छोटी छोटी टुकड़ियाँ बहुत सारी जा रही हैं और खैर यहाँ की मेन भाषा जो मराठी है उसमें पद गाए जा रहे हैं, कंटिन्यू लोग आए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं उससे भी लोग आ रहे हैं। खैर इस उत्सव के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, इसके बारे में मैं पूरा का पूरा अनभिज्ञ था कि इतना बड़ा उत्सव चल रहा है। तो हम भंडारा डोंगर पहुंच चुके हैं सिद्धि के साथ, सिद्धि चले जा रही है, चले जा रही है, पूरी गाड़ियां लगी यहाँ तक पार्किंग गई। देखो ना कितनी सारी गाड़ियां यहाँ पर आके लगी हैं। तो हमारा तो अच्छी बात है कि हम यहाँ से केवल 15 किलोमीटर दूर रहते हैं और प्रभु ने अपने पास बगल में हमें रखा हुआ है, अपने मंदिर के बगल में। ऊपर से चले, अरे नहीं इधर से नहीं जाएंगे, इधर से आज राम कृष्ण हरि। परभणी जिला से आए सब, सब प्यारी प्यारी काकू को आपको दिखाता हूँ। अरे काकू लोग शर्मा गए, अरे नहीं सब शर्मा गए ना एक बार में, इसलिए मैं बंद कर दिया। कुछ कुछ चीज़ें ना मैं कैमरे पे नहीं लाता हूँ क्योंकि क्या होता है ना जो बड़े बड़े भक्त होते हैं ना उनको कैमरे पे लाने में अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो असहज महसूस करने लग जाते हैं। खुल के भक्ति की बातें होती है ना वो नहीं होती कैमरे पर, पर्सनल टॉक्स होती है ना प्रभु की, विट्ठल की, कृष्ण की, वो कैमरे पे लाने की जरूरत नहीं है। बस आप ये सब वातावरण का आनंद लीजिए, आप भी आइए। अरे यहाँ से कितना अच्छा दिख रहा है, देखो ऊपर से देखो, आरू इधर आओ। ये हम लोग तो ऊपर आ गए, बहुत अच्छा गाता ना आदमी, नाचने लगता है तो इसे विंकल बहुत अच्छा रख जा रहा है इसीलिए सब उसमें नाच रहे हैं। ज्ञानोबा मावली तुकाराम, पूरा पहाड़ इसके इस तरफ देखते हैं हम लोग भी कभी इस बारी में विट्ठल हमें बुलाते हैं। अभी तक दूर दूर से ही देख रहे हैं कब वो पाल आएगा या कब वो दिन आएगा जब उस पाल की काम भी हिस्सा बनेंगे, सब उनके ऊपर है। हम लोग आज मंदिर के पीछे वाले डोर से आ गए। राम कृष्ण हरि, काकू कुठून आलो आहे तुम्ही? जळगाव। अरे बाबा जळगाव, कधी निघाला तिथून? अच्छा परवा दिवशी, परवा या टाइमाला निघलो करून। अच्छा उद्या सकाळी पोहोचतो। अच्छा आळंदीला, आळंदीला आणि माऊलीचं, उद्या आळंदीला पोहोचतो, आज माऊलीचं सकाळी दर्शन घेतलं आळंदीला आणि आता दुपारून देऊला आलो। अच्छा अच्छा इथून आतापर्यंत आळंदीला जायचं, आळंदीला जायचं, आळंदीला काम करायचं। अच्छा
5 रुपये दीस जेवण भी धाडीस झोपड़ो भी धाडीस आंग तोड़ धोस हफाई लग गई है इतना। हमारे जो काकू लोग आए हैं जलगांव से आई हैं, अब आज जलगांव से आई हैं, आज रुकेंगी, कल रात पे आलंदी जाएंगी, आलंदी में रुकेंगी एकादशी तक, मंगलवार को, आज तो आज रविवार है, सोमवार मंगलवार को जाएंगे, मंगलवार को एकादशी, फिर एक दिन 12 से कुछ हाँ। वो बनाएंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे। ये काकू को पैर पड़ गया, मतलब कहाँ से नजर आया, मराठी भी बराबर इतनी खतरनाक है ना मराठी उनके गाँव की, वो कभी मैं ही नहीं समझ पाता हूँ, काम चलाऊ तो समझ लेता हूँ लेकिन एक लेवल के मेरे भी हालत खराब हो जाती है, नहीं समझ पाता हूँ मैं। अरे क्या वो पानी जमा हुआ है, अभी तो कुछ नहीं, अभी बना नहीं है तो इसलिए लोग नहीं आ रहे, जब बनने लगेगा तो अभी टूरिस्ट स्पॉट बना देंगे लोग। लाइन लगी हुई है ऊपर दर्शन के लिए, यही वो जगह है जहाँ पर संत तुकाराम महाराज जी बैठकर तपस्या करते थे। बहुत भीड़ है आज के दिन तो, मतलब कितना बैलेंस बना के रखा, गिरता नहीं है, देखो दम बढ़िया से। वहाँ क्या दर्द विद्यापीठ, ये देखो सिद्धिका, अरे काहे डंडा तोड़ दी, दिखाना दे जाता है, अरे बांधने देती जरा, आरु बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही है मेरी, बहुत फास्ट फास्ट कर रही है सिद्धि, तुम सिद्धि तुम सुनो या फास्ट हो, मैं भी फास्ट हूँ एकदम, अच्छा लग रहा है किसी बहुत बड़े सत्संग या समारोह में आया हूँ। राम कृष्ण हरि, इसमें यहाँ पर कुछ भंडारा लगा है, अंदर बहुत अच्छा भजन चल रहा है, कृष्ण गोविंद नाम गाते चलो, इतना सुंदर राग है यार, काम होने को आई, पूरे महाराज अब अस्ताचल की ओर हैं, बहुत अच्छा दिख रहा है उधर, पानी में पूरा प्रतिबिंब दिख रहा है नारायण, सूर्य नारायण भगवान जी का, और ठंडी के समय ना बांके बिहारी जी का मंदिर जो है उसका भी टाइमिंग चेंज हो जाता है, सुबह 9:45 खुलता है और फिर दोपहर में वही 12:30 बंद होता है, फिर दूसरे समय 5:30 खुलता है और 8:30 तक बंद जाता है, जनरेटर भी लगा हुआ है, व्यवस्था बहुत अच्छी है वारकरियों के लिए, वारकरी संप्रदाय है जो महाराष्ट्र में पूरे कोने कोने से एक जगह से एकजुट होते हैं और संत तुकाराम महाराज के दर्शन करते हैं, फिर यहाँ से आलंदी
संत ज्ञानेश्वर जी के जन्म समाधि पर जाते हैं, जन्म समाधि नहीं समाधि पर जाते हैं। बहुत अच्छा। इसका है प्लास्टिक, ये पाइप। अच्छा ये पाइप का है, ये पाइप का है, पीवीसी पाइप। पीवीसी पाइप। कृष्ण जी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सुनिए सिद्धि कितना है क्या तू गाके सुना गोविंद। मैंने बोला था एक बार दीदी की उसी लोग जा रहे, इतने लोग सर राम कृष्ण हरी बोलते रहे तो कितने हो जाएगा, लाख नाम तो हो ही जाएगा। और एक दिन में 1,00,000 नाम करने हैं। राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी। बहुत लोग अभी भी आ रहे हैं, समय बज गया है 5:30 और यहाँ से सिद्धि के डंडा से कुटाई होने वाली है। ये देखो हमारी भी कुटाई, जल्दी ले चलो। चलो चलो देखो बस ही जाइए, मानगांव माउली इस पे लिखा भी है। हाँ दो दो बस है, सरकारी बस है तो। हाँ सरकारी बस, लाल डब्बा हम इसको बोलते हैं, लाल डब्बा, लाल डब्बा बोलते हैं। नदी से खड़ा है वो, सालों के बाद देख रहे ना इसीलिए। बांसुरी वादक जी से मिल रहे थे, बहुत अच्छी बांसुरी बनाते भी हैं, बजाते भी हैं। रिटायरमेंट हो गया उनका और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बांसुरी बजाना सीखा भी, बांसुरी बनाना, बजाना, बनाना, लोगों को देना उनके शौक़ के हिसाब से सब कुछ सीखा उन्होंने। प्लास्टिक से बनाते हैं वो, फिर अलग अलग लकड़ियों से बनाते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में वैसे बांस नहीं मिलती जो बांसुरी के लिए बनाते हैं, वो भी सीखा उन्होंने सब, मतलब एकदम ए टू जेड सीखा आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ एज। बहुत आनंद आया। सिद्धि मेरी ना भागती रहती इधर उधर, 2005 से शुरू हुआ है श्री संत योगी निवृत्ति महाराज संस्थान गौड़ तरफ। हम निवृत्ति नाथ महाराज जी के भी दर्शन करके आए हैं जत्थों का, और इस तरह परमार्थ का आनंद हम लेते रहेंगे और आपको भी आनंद दिलाते रहेंगे। जो जो हमारी दिनचर्या है इसी सादी सी दिनचर्या है, भगवत दर्शन यही सब होता रहता है। और अभी घाट से थोड़ी देर घाट आगे घाट के ड्राइव करके नीचे पहुंचेंगे, और इसी तरह आप भी भक्तिमय माहौल में जुड़े रहिए, आनंद लेते रहिए, राम कृष्ण हरी, और ये सब रियल इंस्पायरिंग है ये सब। खैर इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, अलग अलग जगहों का धामों का दर्शन करते रहिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगले कहीं नए दर्शन के साथ। जय जय राम कृष्ण हरी, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।